हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। मैं आई हूँ सुवेदी पार्क। यहाँ पर पाकिस्तानी नाइट चल रही थी 27 एंड 28 अक्टूबर को। हम 28 अक्टूबर फ्राइडे को वहाँ पर गए फ्रेंड्स। हम बग़ैर टिकट के गए। हमने सुना था कि ऑनलाइन टिकट लेना लाजमी है। टिकट फ्री थी लेकिन आपने ऑनलाइन लेनी थी। हमने कहा हम बग़ैर टिकट के जाते हैं, देखते हैं हमें एंट्री मिलती है या नहीं, क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन। और इसलिए हम लोग चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत बड़ा आवाम का रश था। वहाँ पे फैमिलीज थी, सिंगल पर्सन्स थे, सब लाइन में लगे हुए थे। और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग भी लाइन के ज़रिए गेट तक पहुँचे। और हमें गेट पर जाकर पता चला कि नहीं, यहाँ पर कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, फ्री एंट्री है। ये फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं और ये अंदर का व्यू है। यहाँ से लोग सीढ़ियाँ उतर कर अंदर जा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे सीढ़ियों का व्यू लिया है। और यहाँ से रियाज सीज़न स्टार्ट होता है स्वेदी पार्क में। और सबसे पहले जो सेक्शन था वो स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल, यहाँ पे सऊदियों के इतर का स्टॉल था और सऊदियों के ऊद का स्टॉल था। ऊद जो ये अपने घर पे चलाते हैं, खुशबू होती है वो भी। और यहाँ पे सॉक्स का एक स्टॉल था। मे बी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो सर्दियों के आइटम्स का स्टॉल था। सऊदियों के खाने पीने की शा के स्टॉल थे। ये खाने पीने की शा का था, यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह थे और परफ्यूम वगैरह के स्टॉल थे। और वहाँ आगे जो ये एक परफ्यूम की शॉप है, ये परफ्यूम का स्टॉल है। यहाँ पे मैंने डंकिन डोनट्स की भी एक शॉप देखी। यहाँ पे डंकिन डोनट्स की शॉप के सामने भी आवाम की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। और आगे चलते जाएं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों का भी स्टॉल था। पाकिस्तानी कपड़ों के स्टॉल थे, हैवी ड्रेसेस थे वहाँ पे। जर्सियों का भी स्टॉल था क्योंकि पाकिस्तानी नाइट चल रही थी, तो पाकिस्तान के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया गया था। सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तानी अवाम नहीं थी, वहाँ पे सऊदी भी थे, वहाँ पे इंडियन भी थे, वहाँ पे बांग्लादेशी भी थे। सारे इस रियाज सीज़न को इंजॉय कर रहे थे। पाकिस्तानी जो कल्चर था और पाकिस्तानी जो नाइट थी, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट एरिया पे, वहाँ पे उसके कंसर्ट, उसके फंक्शंस हो रहे थे। हमने कहा कि चलो अगर पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ज़रूर खाने पीने का भी कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि दही भड़े और गोलगप्पे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि वो स्टॉल्स कहाँ हैं, लेकिन हमें वहाँ पर वो स्टॉल्स नहीं मिले। मे बी हों, हमें नहीं मिले और हम उस चीज़ में नाकाम रहे। ये थोड़ा सा यहाँ पे तबला शबला पड़ा हुआ था और एक ढोल पड़ा हुआ था और यहाँ पे भी शायद कोई ना कोई परफॉर्मेंस होनी थी। तो और ये मैंने फिर यहाँ पे थोड़े से फूड के स्टॉल्स थे। इन फूड ये जो स्टॉल्स थे यहाँ पे सऊदी ही खाने थे, सऊदी कहवे थे, सऊदी इनके सारी इनकी सऊदियों की आइटम्स थी खाने पीने की। ये थोड़े से जो इनके डोनट्स वगैरह ये सारे इनके थे, ब्रेड वगैरह जो भी पड़े हैं ये सब सऊदियों के ही खाने थे। तो मैंने इनकी थोड़ा सा इसकी वीडियो बनाई इन स्टॉल की। और ये थोड़ा सा लाइटनिंग वगैरह की हुई थी। मतलब एक ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी होते हैं उनके लिए एक अच्छा इवेंट था कि वो अपने जो मुल्क की यादों को ताज़ा करें। उनके लिए अच्छा इवेंट था, इंजॉयमेंट थी, अच्छी इंजॉयमेंट थी। फिर यहाँ से हम चलते गए। यहाँ पे कुछ लोग अपनी पिक्चर्स खींच रहे थे। वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी अवाम थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज आई हुई थी, जो सिंगल पर्सन आए हुए थे, जो यहाँ पे लोग काम करने आते हैं, सिंगल मर्द आते हैं, जैसा कि जिनको हम छड़े कहते हैं, वो बहुत थे। क्योंकि जुमे का दिन था, सारी अवाम इंजॉय के लिए निकली हुई थी और फ्री टिकट थी, तो हमने कहा हम भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, हम भी निकल गए। ये सामने जो है ये गेम्स के स्टॉल्स थे। यहाँ पे आपने निशानेबाजी करनी और आपको कोई ना कोई प्रेजेंट मिलेगा। ये सब स्टॉल गेम्स के थे, यहाँ पे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। और फिर हम आगे चलते गए। हमने सारा स्वेदी पार्क घूमा और जगह जगह कोई ना कोई स्टॉल्स थे, कोई ना कोई प्ले के सेक्शन थे। ये सामने एक ट्रक है जो कि पाकिस्तानी ट्रक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तानी ट्रक जैसा तो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रक इस पर तो बहुत आर्ट होता है, बहुत डिफरेंट आर्ट होता है, लेकिन फिर भी चले जो भी कोशिश है, अच्छी कोशिश की गई है। अब आम को खुशी करना किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये मैंने इस ट्रक की भी वीडियो बनाई। बहुत से लोग इस ट्रक के साथ सेल्फीज ले रहे थे, अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। मैंने भी इसकी वीडियो बनाई।
फ्रेंड्स, ये कुछ म्यूज़िक की परफॉर्मेंस थी, कुछ गिटार की परफॉर्मेंस थी, कुछ सूफ़ी परफॉर्मेंसेस थी जो मैंने आपको दिखाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हम वापसी के लिए निकल गए और वापसी पर भी ये परफॉर्मेंस थी, आप इस परफॉर्मेंस को इन्जॉय करिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।